असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। भाई राकेश जी, जयदीप जी, बहन सुमन जी, भाई सिद्धार्थ जी, और आज के इस सत्र में हमारे इस बौद्धिक जंग में, इस मीडिया वार में अपने शत्रुओं के प्रहारों को नाकाम करने के लिए और अपने मित्रों को संगठित करने के लिए और दुश्मन पर हम और ज़्यादा प्रामाणिक वार और प्रहार कर सके, उसके लिए आपको जिन्होंने एक बहुत प्रामाणिक मार्गदर्शन दिया, ऐसे हमारे भाई मुखी जी और उनके मित्र भाई सागर जी और रितेश जी का एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। इस ब्रह्मांड में वही हो रहा है जो हमारे पिंड में होता है। हमारे मन में भी हर समय प्रश्न उठता रहता है और उस प्रश्न के पीछे, उस क्वेश्चन के पीछे बहुत से रीजंस होते हैं। हमें अपने बारे में भी प्रश्न उठता है, अपने माता पिता, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपने औलादों के बारे में भी प्रश्न उठता है। कई बार गलत फहमियां माता पिता बच्चों के बीच में भी हो जाती है, पति पत्नी के बीच में हो जाती है, मित्रों के बीच में भी हो जाती है, संगठन के लोगों में भी हो जाती है। तो मीडिया कोई नई चीज नहीं है, वो अपना ही मन है, समष्टि मन है। हर प्रश्न करने वाले को अपना शत्रु नहीं मानना चाहिए। कई बार माँ बाप जब बच्चों के बारे में प्रश्न करते हैं तो बच्चे माँ बाप को ही शत्रु मान लेते हैं और वहीं युद्ध शुरू हो जाता है। कई बार बच्चे कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं माँ बाप से। अब यह अलग बात होती है कि किसी के प्रश्न पूछने की भाषा कैसी होती है, किसी की कैसी होती है। तो गलत तरीके से यदि पिता ने भी प्रश्न पूछ लिया तो बेटा बेटी नाराज हो जाते हैं, उनको शत्रु मान लेते हैं। पुत्र ने, बेटा बेटी ने कई बार जो है अग्रेसिव होकर के कोई प्रश्न पूछ लिया तो माँ बाप के मन में भी एक बहुत गहरी पीड़ा हो जाती है। तो पहली बात तो यह है कि हमारे बारे में नेगेटिव बात करने वाले हमारे सभी शत्रु नहीं होते हैं। उसमें 99% लोग या तो बहका दिए गए हैं किसी के द्वारा। अब बच्चों को बहका दो तो माँ बाप से जाकर के उल्टे उल्टे प्रश्न करने लग जाएंगे। किसी की घर की बहू को बहका दो, तेरी सास तो तेरे बारे में बहुत उल्टा बोल रही थी, मेरे घर में तो चुड़ैल आ गई है। उसकी सासों ने कुछ नहीं कहा, पड़ोसी ने बहका दिया। अब बहू ने भी ऐसा ही मान लिया कि हो सकता है सासू ने ऐसा कह दिया हो। तो ये सोशल मीडिया में भी क्या होता है, मैंने कहा हम जो जंग लड़ रहे हैं, अब हमें ये देखना चाहिए हमारा जंग में तीन चीजें होती है। एक हमारा शत्रु पक्ष होता है, एक हमारा मित्र पक्ष होता है, एक तटस्थ लोग होते हैं, वो कभी शत्रु बन जाते हैं, कभी मित्र बन जाते हैं, कभी उदासीन हो जाते हैं। अब हमारा काम क्या है कि इस जंग को प्रामाणिकता से लड़ने के लिए हमें अपने शत्रु की पहचान करनी है, हमें अपने मित्रों की पहचान करनी है, और जो तटस्थ लोग हैं इसमें बहुत बड़ी संख्या होती है। शत्रु और मित्र बहुत लिमिटेड लोग होते हैं। किसी भी बुराई के लिए काम करने वाले बहुत थोड़े लोग होते हैं तो अच्छाई के लिए काम करने वाले भी बहुत थोड़े लोग होते हैं। 80% से 90%, 80 से 90% ये तटस्थ लोग हैं।
इनमें से हमको लोगों को खींचना है अपनी ओर। आज जो करप्शन को लीड कर रहे हैं, ब्लैक मनी को जो लीड कर रहे हैं, इस करप्ट सिस्टम को जो लीड कर रहे हैं, वो कितने परसेंट लोग होंगे? परसेंटेज वाइज बहुत थोड़े से फ्यू पर्संस हैं जो लीडरशिप में, बाकी उनके सपोर्टर्स अलग हैं, उनके समर्थक अलग हैं थोड़े, वो एक बिल्कुल भिन्न बात है। माने इस पूरी लड़ाई को देखा जाए तो 125 करोड़ लोग करीब एक तरफ हैं और 125 लोग एक तरफ हैं जो इस करप्ट सिस्टम को लीड कर रहे हैं। तो इसमें जो शत्रु पक्ष हमारे बहुत थोड़ा है, वो उसका जो उसकी संख्या, लेकिन वो मजबूत इतने हैं। हमारे शत्रु कौन कौन है? हमारे शत्रु हिंदुस्तान के 4 स्तरों में हिंदुस्तान में है। वो एक करप्ट पॉलिटिशियंस विधायिका के स्तर पर, दूसरे करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, करप्ट जजेस। इसको हम यदि डेमोक्रेसी की राजनीतिक भाषा में बोले तो विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका में जो करप्ट लोग हैं, वो चाहते हैं कि ये कोई इस तरह का आंदोलन, इस तरह का मूवमेंट कामयाब ना हो, किसी भी साइंटिफिक कंक्लूजन तक नहीं पहुंचे, किसी भी जो है रिजल्ट ओरिएंटेड कोई मुहिम ना चले हिंदुस्तान के अंदर, कोई परिणाम तक कोई भी आंदोलन नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं तो जो है हम बेनकाब हो जाएंगे, हमारा जो हमने छल करके, धूर्तता करके, प्रपंच करके, झूठ बोल करके, बेईमानी करके जो कुछ अर्जित किया है, हमारा सब नष्ट हो जाएगा। और वो नष्ट तो होगा ही, हम सब जेलों में चले जाएंगे, हम सड़ जाएंगे। ये हम आपको एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, डिफरेंट तरह से आपको इसको रेस्पॉन्ड भी करना है। जिस दिन हिंदुस्तान की का सिस्टम पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जितने भी बड़े बड़े दौलत वाले लोग हैं, चाहे वो विधायिका में बैठे हैं, चाहे वो कार्यपालिका में बैठे हैं, चाहे न्यायपालिका में बैठे हैं, अथवा कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं, चारों ये जो बड़े ताकतवर लोग हैं, और इसमें यहाँ तक कि मीडिया में भी जो बहुत करप्ट लोग, वहाँ पर भी सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ रुपए की दौलत जो है लूट करके बैठे, ये 5 ऐसे ताकतवर लोग हैं 5 फील्ड्स के अंदर, एक विधायिका में, दूसरा कार्यपालिका में, तीसरा न्यायपालिका में, चौथा जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, और जिसके सामने सच को रखने की जिम्मेदारी थी, वो भी जब बिकाऊ हो जाते हैं तो ये पहले तो बोलते थे चंडाल चौकड़ी, अब इसमें एक कड़ी और जुड़ गई है। अब इनमें जब ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो ये लाखों करोड़ रुपए यही लोग लूट करके बैठे, ये लाखों करोड़ भी इनको देना पड़ेगा और इनको जेलों में सड़ सड़ के मरना पड़ेगा, और तब देश के सामने पूरा सच आएगा। तो हमारे यूं तो हर जगह ही जो है बुरे लोग हैं, लेकिन जो बड़े तौर पर बुरे लोग हैं, जिनको हम जो है पहचान सकते हैं, और जो कुछ लोग ऐसे होते हैं, भाई देखो हम तो भाई हवा के साथ बह रहे हैं, यदि देश के लोग अच्छे हो गए तो हम भी अच्छे हो जाएंगे। हिंदुस्तान का आदमी अमेरिका में जाकर के, ब्रिटेन में जाकर के, वो यूरोप में जाकर के, वहां तो गाड़ी से मुंह निकाल के थूकता नहीं, यहां उसको थोड़ा सा थूक आता है तो गाड़ी का शीशा खोलता है और जो है साइड में थूक देता है, जो है पीछे वाला कोई स्कूटर पर आया तो उसकी छाती भी जाके मोहर लगती है। क्यों? कि वो आदमी जब अमेरिका चला गया, जब यूरोप चला गया, जब जापान चला गया, जब सिंगापुर चला गया, हांगकांग चला गया, वहां क्यों नहीं थूकता? क्योंकि वहां किसी को थूकता हुआ देखता ही नहीं। यहां आपको हिंदुस्तान में आप 1 किलोमीटर चलिए, आपको 5-10 आदमी खड़े हुए मूते हुए मिल जाएंगे, ऐसे ही खुले में। अब मैं इसमें 2 उदाहरण देता हूं, एक तो अपने से तो 50 साल पीछे अफ्रीका का, और एक स्पिरिचुअलिटी की दृष्टि से नहीं, सिस्टम की दृष्टि से जो हम से 25-50 एडवांस हैं जो लोग, और जो है कम से कम सोशल अवेयरनेस के तौर पर जो जागरूक है, ऐसा यूरोप जो हमसे 25-50 साल अभी एडवांस है सोशल जो है, और सोशल का भी कुछ एक सेक्टर है, सब सेक्टर्स में नहीं, स्पिरिचुअल सेक्टर की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, सोशल सेक्टर में वो हमसे कुछ उसके एस्पेक्ट्स हैं, उसमें वो हमसे 25-50 साल एडवांस है। वहां आपको
कोई भी आदमी ऐसे थूकता हुआ मुतता हुआ कुछ ऐसे सड़कें गाली कर गंदी करता हुआ अपने कहीं पर भी दीवारों पर कुछ भी लिख देंगे। मैंने बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर देखा, पर्यटक स्थानों पर, और क्यों? क्योंकि हमारे यहां पर ऐसा भी माहौल नहीं बना है। तो मैं बात ये कर रहा था कि वातावरण का असर, तो ये मैं यूरोप की और कुछ जो है पूर्व के भी जापान आदि की बात कर रहा था, यूएस की जो है सिंगापुर जैसे देशों की, बैंकॉक जैसे देशों की। अब अफ्रीका की मैं बात करता हूं। अफ्रीका करीब दो या तीन महीने में रहा, कैंप कर रहा था मैं। अफ्रीका में एक भी आदमी मुझे ऐसे नहीं मिला जो रास्ते में कहीं पर भी ऐसे ही खड़ा हुआ मुत्ता हुआ दिखाई दे। हमसे करीब 25-50 साल पीछे है वो। क्यों? वहां इस तरह का एनवायरनमेंट है, लोग ऐसे जो है इसको अच्छा नहीं मानते। और मैं करीब 25 साल पहले इस बात को जब देखता था, तब मैंने, अब सच बता रहा हूं, अपने किसी मित्र से पूछता था कि ऐसे लिखा हुआ था दीवार पर, कुत्ता पेशाब कर रहा है। तो मैंने अपने मित्र, फिर दूसरी जगह देखा गधा पेशाब कर रहा है। तो मैंने अपने मित्र से पूछा जो मेरे साथ में थे, उस समय हम गुरुकुल में थे तो हमें ज्यादा दुनियादारी का पता नहीं था, 25-30 साल पहले की बात। मैंने कहा ये क्यों लिखते हैं दीवारों पर गधा पेशाब कर रहा है, कहीं लिखा हुआ है कुत्ता पेशाब कर रहा है? हो सकता है हमारे बच्चे भी ऐसे पूछते होंगे अपने माँ बाप से कि पापा ये क्यों लिखा हुआ है गधा पेशाब कर रहा है, कुत्ता पेशाब कर रहा है? तो मैंने सच में पूछा, तो मेरे मित्र ने बोला तुझे अभी हिंदुस्तान में रहता इतना भी नहीं पता, इसका मतलब है कि यहां जो पेशाब कर रहा है उसको बताया जा रहा है कि तू कुत्ता और गधा होगा तो यहां खड़ा होकर पेशाब करेगा, तो ये शर्म के मारे यहां ये पढ़ करके कोई पेशाब ना करे। लेकिन लोग भी तो दूर से ही देख लेते हैं कि कुत्ता पेशाब कर रहा है, इसका मतलब ये पेशाब करने की जगह है। तो मैंने देखा वहां 5-10 आदमी हमेशा लगे हुए उसी काम पे, लिखने का असर नहीं हुआ, लिखने का असर नहीं, वातावरण का असर होता है। एक बोले बाबा जी वातावरण से कुछ असर नहीं होता, कानून बना देना चाहिए, लोगों को अच्छा बनाना चाहिए, ऐसे वातावरण का कोई असर नहीं होता है। मैंने कहा वातावरण का असर नहीं होता? आप लोगों ने अभी गर्म कपड़े पहने हुए कि नहीं पहने हुए? चलो वातावरण का असर नहीं होता, बाबा की तरह सब नंगे हो जाओ, मुझ पर असर नहीं हो रहा है वातावरण का, लोग भ्रष्ट हैं और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, मुझ पर असर नहीं हो रहा है, आप पर असर नहीं हो रहा है, कुछ बातों में, कुछ में हो रहा है। आपके ऊपर सर्दी का भी असर है, योगी के ऊपर ना सर्दी का असर होता है, ना गर्मी का असर होता है, ना गाली का असर होता है, ना गोली का असर होता है। वो एक अलग विषय है, लेकिन वातावरण का असर 99% लोगों पर होता है, 99% लोगों पर। तो मैं आपसे बात कर रहा था, हमें एक अच्छा वातावरण बनाना है देश में। तो हमारे बड़े शत्रु हैं 5 सेक्टर में, उसको हम यदि 4 सेक्टर बोले तो हम ये बोल सकते हैं, एक विधायिका में, एक कार्यपालिका में, एक न्यायपालिका में, और एक दूसरे पावरफुल लोग, वो कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं, वो एक्टर एक्ट्रेस भी हैं, उसमें कुछ क्रिकेटर्स भी हैं क्योंकि इनका भी ब्लैक मनी है, इसमें कुछ एडवोकेट्स भी हैं, इसमें कुछ डॉक्टर्स भी हैं, इसमें कुछ बिजनेसमैन भी हैं, इसके अंदर इलीगल माइनिंग करने वाले भी लोग हैं, इसमें गोल्ड एंड ज्वेलरी का बिजनेस करने वाले भी लोग हैं, इसमें फिर अलग डिफरेंट सेक्टर में, लैंड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रियल एस्टेट में, जहां जहां जो है ये पावरफुल लोग हैं। तो एक इन 3 सेक्टर के अलावा जो भी पावरफुल लोग हैं वो मीडिया में भी हैं। अब ये तो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर मैंने बात की, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे कौन शत्रु हैं? जिन लोगों ने ये ब्लैक मनी जमा करा रखा है, जैसे आपको ये पुस्तक दी गई है, इसमें एक चैप्टर है कि वो चैप्टर दूसरी तरह के इससे लिखा गया है, लेकिन उसका मकसद बहुत बड़ा है कि जो है डेट कितना लिया हुआ है किस देश ने। और इसमें फिर दूसरा एक चैप्टर और लिखा हुआ है, भाई जब लोगों के पास में पैसा, के लोगों के पास में
बैंकिंग सिस्टम से तो पैसा वो ही जाएगा ना दूसरी जगह, जो सेविंग का पैसा है, सेविंग का पैसा बहुत थोड़ा है। ये जो सारा का सारा जो है, ये आज कितना कितना ऋण ले रखा है अमेरिका के ऊपर, एक्सटर्नल इंटरनल डेट दोनों जोड़ दिया जाए तो 1,000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण है। ये पूरा आपको जो इसमें डेटा दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 2011 तक के, आप उसको अपडेट कर सकते हो 2012 तक। अमेरिका के ऊपर जो ऋण है, एक्सटर्नल डेट और इंटरनल डेट दोनों मिला लिए जाए तो करीब 1,000 लाख करोड़ रुपए का उसके ऊपर ऋण हो जाता है। और एक एक महीने में जो ऋण, तीन तीन तिमाही में जो ऋण ले रहे हैं वो अलग है। इंग्लैंड के ऊपर इसी तरह से, जर्मनी के ऊपर इस तरह से, फ्रांस के ऊपर, इनका मैं दोनों डेट मिलाकर के यदि बोलूं तो अमेरिका के ऊपर एक मोटा आंकड़ा, थोड़ा कम ज्यादा होता रहता है उसमें, करीब 1,000 लाख करोड़ रुपए का ऋण है अमेरिका के ऊपर। करीब 500 लाख करोड़ रुपए का ऋण है जो है यूके के ऊपर, इंग्लैंड के ऊपर। करीब 250 लाख करोड़ रुपए का ऋण है जर्मनी और फ्रांस के ऊपर। ये तो चलो बड़े देश हो गए। एक छोटा सा देश लग्जमबर्ग जो इसमें 10वें नंबर पर दिया हुआ है, उसके ऊपर ऋण है करीब 100 लाख करोड़ रुपए, और उसकी जीडीपी कितनी है, 2 लाख करोड़ रुपए। आप सोचो भारत की जीडीपी यदि 16 लाख करोड़ रुपए, इसके ऊपर 1,000 लाख करोड़ का कर्ज हो जाए तो हिंदुस्तान की हालत क्या होगी। तो ये ऋण कहां से आ रहा है? लग्जमबर्ग जिसकी जीडीपी 2 लाख करोड़, ऋण उसके ऊपर 16 लाख करोड़, उसने इतना पैसा ले लिया, कहां से आ गया भाई? ये सारा का सारा ब्लैक मनी। और अब तो एक और इसमें हमने बात कही है फिर इस पूरे में, कि दुनिया का सबसे बड़ा जो टैक्स हेवन है वो डेलावियर है। दुनिया का जो सबसे बड़ा टैक्स हेवन है वो केमन आइलैंड है यूके का। अब यूके कंट्रोल करता है केमन आइलैंड को, डेलावियर को अमेरिका का एक स्टेट है। उस स्टेट में आप कितने लाख करोड़ रुपए ले जाइए, आपसे पूछा ही नहीं जाता कि इसका सोर्स क्या है। अब कहेंगे तो बहुत गलत हो रहा है, अमेरिका में क्या गलत हो, भारत में भी तो गलत हो रहा है। आप एफआईआई के माध्यम से, एफडीआई के माध्यम से मॉरिशस, जिसकी कुल आबादी 15 लाख है, और वहां से करीब 15 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान में आ जाता है। कहां से भाई, वो क्या मॉरिशस का पैसा है तो क्यों आ रहा है भाई? चाहे वो पार्टिसिपेटरी नोट है, चाहे प्रॉमिसरी नोट है, क्यों आ रहा है पैसा भाई? आप यदि दूसरे देशों को बोले कि टैक्स हेवन जो है वो स्विट्जरलैंड है, टैक्स हेवन जो है वो दुबई है, टैक्स हेवन जो है वो सिंगापुर है, टैक्स हेवन जो है वो कुवैत है, टैक्स हेवन फलाना और दूसरे जो है बामाहास है, ये टैक्स हेवन दूसरे हैं भाई जो है। जिस तरह से डेलावियर टैक्स हेवन है, जिस तरह से लग्जमबर्ग टैक्स हेवन है, जिस तरह से केमन आइलैंड टैक्स हेवन है, ऐसे ही भारत भी एक टैक्स हेवन है खुद। तो हम तो इतनी तो बात कह रहे हैं कि भारत में जो एफडीआई के माध्यम से पैसा आया है उसके मालिकों का नाम बता दो। इसमें 90, मैंने पहले बोला हुआ है वैसे 60-80%, ये तो सारे जो एक अर्थशास्त्री उनका मानना है। मैं ऐसा मानता हूं कि हो सकता है इसमें 99% पूरा ही पैसा पॉलिटिशियंस का हो, यदि मेरा पूछा जाए तो। और आप सीधा सा एक प्रश्न कर सकते हैं कि भाई यदि ये पैसा पॉलिटिशियंस का नहीं है, यदि ये पैसा करप्ट ब्यूरोक्रेट्स का नहीं है, यदि ये पैसा जो है जुडिशियली में कुछ जो करप्ट लोग हैं उनका नहीं है, यदि ये अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, चाहे वो सिने स्टार है, चाहे वो क्रिकेट स्टार है, तमाम तरह के जो लोग हैं, चाहे वो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, चाहे वो लैंड एंड गोल्ड का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो जो है ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हैं, डिफरेंट सेक्टर से हमने बताया कि जहां पर ये ब्लैक मनी इन्वेस्ट हुआ है, ब्लैक मनी कहां कहां जो है अपना इफेक्ट डालता है, तो वो आपको सारे सेक्टर्स इसमें बताए गए हैं। तो इसमें जो मेजर सेक्टर्स हैं वो 5-7 हैं। सबसे ज्यादा देखो, एक तो ब्लैक मनी कहीं इन्वेस्ट होता है तो वो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जैसे वो एजुकेशन में इन्वेस्ट होता है तो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। उससे एक नुकसान ये होता है कि एजुकेशन बहुत महंगी हो जाती है, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती है।
लेकिन मान लीजिए वो स्कूल में लगा, कॉलेज में लगा, यूनिवर्सिटी में लगा, तो वो पैसा कंट्री को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है। उससे बस एक ही चीज होती है कि आम आदमी फिर एडमिशन नहीं ले सकता उनमें, स्कूलों में, उन कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में। अब जैसे किसी ने एमबीबीएस डॉक्टर किया, एमबीबीएस डॉक्टर के बाद उसको एडवांस कोर्स करना है तो 2 से 4 करोड़ रुपए कॉलेज में लिए जाते हैं, सारा ब्लैक मनी है। लेकिन उससे क्या होगा, गरीब आदमी उसमें प्रवेश नहीं ले सकेगा। कम से कम एक जो है अध्ययन करने की एक फैकल्टी खड़ी हो गई देश के अंदर। तो जैसे एजुकेशन में जो ब्लैक मनी लगा हुआ है उसका ज्यादा नुकसान नहीं होगा, जो हेल्थ में ब्लैक मनी लगा हुआ है, डॉक्टर के पास पैसा है, हॉस्पिटलों के पास पैसा है, तो वो अपने हॉस्पिटल और बढ़ा लेंगे, ये कम नुकसान करेगा। आम आदमी के लिए उपचार महंगा हो जाएगा, वो अलग बात है। आम आदमी को शिक्षा से वंचित होना पड़ता, आम आदमी को चिकित्सा से वंचित होना पड़ता है, लेकिन ये कंट्री को उस रूप में डिस्ट्रॉय नहीं करता जैसे पैसा नक्सलवाद में लगा है, ब्लैक मनी जो माविस्ट लोगों के पास में, नक्सलियों के पास में, आतंकवादियों के पास में पैसा है। तो उससे क्या हो रहा है, देश के करीब 250 से 300 जिले धू धू करके जल रहे हैं। जो पैसा पॉलिटिक्स में लगा हुआ है, एक सरपंच से लेकर के पंच से लेकर के सरपंच से लेकर के और देश के मुखिया तक अर्थात प्रधानमंत्री तक, जो भी इलेक्शन प्रोसेस है, इसमें इलेक्शन को फाइट करते हैं करीब 33 से 34 लाख लोग इलेक्शन फाइट करते हैं, डिफरेंट तरह से जो है इलेक्ट्रोल प्रोसेस से चुन करके आते हैं। एक आदमी यदि 5 लाख रुपए भी खर्च करता है तो हमने इसको कैलकुलेट किया कि ये करीब जो है 15 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। तो पॉलिटिक्स में यदि ब्लैक मनी आता है तो पूरी पॉलिटिक्स गंदी हो जाती है। और क्यों, क्योंकि किसी भी देश के ढांचे को, किसी भी देश के सिस्टम को जो रूल करती हो, सबसे ऊपर पॉलिटिक्स होती है। देखो हम कहते हैं ना सरकार चल रही है, सरकार में क्या है, एक है एमएलए एमपी, उससे ऊपर थोड़ा जिसको ताकत दे दी जाती हो मिनिस्टर, उससे ऊपर जो है चीफ मिनिस्टर, उससे ऊपर प्राइम मिनिस्टर। अब इस पूरे जो प्रोसेस है इसमें आईएएस आईपीएस माने एक विधायिका है, एक उसके नीचे कार्यपालिका है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, फिर जो है हमारी सेनाएं होती हैं, इस तरह से पुलिस होती है, इसको पूरा जो है वो रूल करते हैं इसको, फिर एक जुडिशियरी सिस्टम होता है। जुडिशियरी को गाइडलाइन कौन देता है, जुडिशियरी के लिए कानून कौन बनाता है, पॉलिटिशियंस। तो हमें एमएलए एमपी तो अच्छे भेजने ही है, ये जुडिशियरी सिस्टम को भी जो है हमें चेंज करना पड़ेगा, उसके अंदर भी ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। उसके बाद में जो है ब्यूरोक्रेसी, वो उसी के अधीन चलती है और वो जो चाहते हैं वैसे ही देश में फिर जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड काम करता है, उसी तरह से देश के अंदर किसी चीज को प्रतिष्ठा मिलती है अप्रतिष्ठा। इस देश में जब तक अश्लीलता सम्मानित होती रहेगी और शालीनता जब तक तिरस्कृत होती रहेगी तब तक न भ्रष्टाचार मिट सकता न बलात्कार मिट सकता। बलात्कार को महिमा मंडित किया गया है, किसी भी टीवी सीरियल में पिक्चर में रैप के जो केस होते हैं उनको इस तरह से फरमाया जाता है कि आदमी उसको उकसाया जाता है, मानो उसके लिए भाई तू भी कर ले इस काम को। तो ये कई चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं, ये बड़ी खतरनाक बातें हैं। तो मैं कह रहा था पॉलिटिक्स में जो ब्लैक मनी लगता है तो उससे पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा, देश के पिछले करीब 3 मुख्य न्यायाधीश बोल चुके हैं कि देश का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरी टिप्पणी नहीं है, ये देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी है, वो खुद भी इससे त्रस्त हैं। और हर सिस्टम में जो अच्छे लोग हैं वो हमारे साथ में। मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, जो बहुत बुरे लोग हैं वो बहुत थोड़े हैं। इसलिए हमारी लड़ाई माना कि इसके मोर्चे बहुत खतरनाक हैं। हमें घरेलू मोर्चा हमारा, हमने कहा कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पूरे पावरफुल लोग जो है जिनको बोला जाता है ये तो कंट्रोल करते हैं पूरे सिस्टम को, वो सब लोग चाहे हमारे दुश्मन हो, चाहे एमएनसीज हमारे दुश्मन हो, चाहे ब्लैक मनी रखने वाले जो देश जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था ये चाहे हमारे दुश्मन हो, मैं कहता हूं चाहे सारा जहान हमारा दुश्मन हो, लेकिन हम सच्चाई को लेकर के आगे बढ़ते रहे और उस पर रुके नहीं, झुके नहीं, बिके नहीं, तो हम एक दिन जरूर सफल होंगे। क्योंकि अब इस सच की लड़ाई को पंख लगे हुए हैं, अभी सच की लड़ाई को पंख लगे हुए हैं सोशल मीडिया के, अभी सच की लड़ाई को पंख लगे हुए हैं जवानों,
अभी सोशल मीडिया की लड़ाई को पंख लगे हुए जो पिछड़े अति पिछड़े और जो दलित वाल्मीकि जो दबे कुचले लोग उन सबके अब इसको उसकी शक्ति मिली हुई है। तो अब हमें इस सच की उड़ान हमें चाहे कितनी ऊंची भरनी हो, हमारा जो वो उड़ान भरने वाला जो हमारा यंत्र है ना, अब वो हेलीकॉप्टर नहीं है, वो जहाज नहीं है, अब वो रॉकेट की गति से उससे भी कहीं तेज गति से आगे बढ़ सकता है। हमारे पास में वो ताकत है। तो मैं बात ये कह रहा था कि इस पूरी लड़ाई में ये जो ब्लैक मनी की जो मैंने बात की, तो इसमें ज्यादा खतरनाक कहां है ये ब्लैक मनी? पॉलिटिक्स में जो लगा हुआ है, लैंड रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर में जब ब्लैक मनी लगता है तो इससे आम आदमी की पहुंच से जमीन बाहर हो जाती है, इतना ही नुकसान है, नेशन इससे डिस्ट्रॉय नहीं होता बहुत ज्यादा। लेकिन सबसे ज्यादा ब्लैक मनी खतरनाक होता है पॉलिटिक्स में, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है ड्रग्स के अंदर। फिर ये जो एक ब्लॉक ब्लैक मनी होता है, एक इसके अंदर जो है फेक करेंसी होता है, उससे भी एक दूसरी तरह से होता है। हमारे देश के अंदर अलग अलग एजेंसियों कुछ तो अभी अनुमान लगाने से भी डरते हैं, कहते डरते हैं। हमारे देश में जिन लोगों के हाथ में सत्ता है ना, कि वो सच को छुपाते हैं। हमारे देश में ऐसा अनुमान के अनुसार है कि 1,00,000 करोड़ रुपए नकली करेंसी है। कितना? 1,00,000 करोड़। एक आतंकवादी जो है 2-1 करोड़ लेकर के घुस जाता है, 10-20 लाख तो जेब में, 500,000 के नोट ले लेता है, इधर छिपाते रहता है, इधर छिपा लेता है। एक आदमी 10-20 लाख रुपए से लेकर के और 1-2 करोड़ लेकर के घुस जाता है हिंदुस्तान में। और आतंकवादी नहीं, बाकी तस्कर होते हैं नकली करेंसी के, फिर वो चलाते हैं इसको मार्केट में। आप सोचो ये नकली करेंसी, अलग अलग अनुमानों के अनुसार कोई कहता है 10%, कोई कहता है 15%, कोई कहता है 20%। अब 10% भी माने तो हमारी गवर्नमेंट ने करीब 10,00,000 करोड़ नोट छापे हैं। ये इंडिया टुडे के सर्वे बता रहा हूं मैं, उन्होंने 15-20% माना। और अलग अलग जो है इसके ऊपर कुछ कमेटियां भी बनी गवर्नमेंट ने, उन कमेटियों की रिपोर्ट को, जो कमेटी गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिपोर्ट देती है, मीन्स गवर्नमेंट की खामियों को उजागर करती है, उस कमेटी की रिपोर्ट को नकार देती है गवर्नमेंट। एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने भी कहा कि 1,00,000 करोड़, 10% भी हमारे देश के अंदर नकली करेंसी है, तो 10,00,000 करोड़ तो गवर्नमेंट ने छापे, 1,00,000 करोड़ पे हमारे दुश्मन देश के लोग छाप करके अपने देश की अर्थव्यवस्था में भेज देते हैं, बड़े खतरनाक। तो खैर, ये जो पूरा जो कुचक्र चल रहा है, इससे होता क्या है? आप कहेंगे जी किसी ने सोना खरीद के डाल दिया, तो एक होता है दूसरी जगह कहीं कहीं ये पैसा लगा हुआ अनप्रोडक्टिव है। अब किसी ने गोल्ड ले लिया, जैसे अपने देश के अंदर रिजर्व बैंक ये मानता है कि 25,00,000 करोड़ रुपए का सोना है, कितना? आरबीआई मानता है 25,00,000 करोड़ रुपए का, एक जो इकोनॉमिस्ट हैं अर्थशास्त्री मानते हैं 50,00,000 करोड़ का। पीछे एक मंदिर में खुदाई हुई तो कितना सोना मिला था? 1,00,000 करोड़ तो ढूंढ लिया, और उसका जो एंटीक वैल्यू है वो नहीं उसके साथ में लगाया हुआ। कौन सा मंदिर है? पद्मनाभ, एक मंदिर का। तो क्या ऐसे, ये मंदिरों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जिस तरह से एक मंदिर में पैसा, ऐसे और भी जगह पैसा। तो दूसरे अनुमान के अनुसार ये धन है करीब 1,00,000 टन, अर्थात यदि इसका इकोनॉमिक वैल्यूएशन किया जाए तो 300,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का। अब एक मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता हूं, ये जो पैसा है ब्लैक मनी, ये गोल्ड में लगा पड़ा है, उससे कोई प्रोडक्टिविटी हो रही है? ये पैसा यदि एग्रीकल्चर में लगता, इंडस्ट्री में लगता, सर्विसेज में लगता, हेल्थ में लगता, एजुकेशन में लगता, वाटर मैनेजमेंट में लगता, ये पैसा जो है वेस्ट मैनेजमेंट में लगता, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगता, ये पैसा जो है लघु उद्योग गृह उद्योग लगाने के अंदर ये पैसा लगता, ये गौशालाओं को बढ़ाने के लिए, पशुपालन के लिए पैसा लगता, ये पैसा हमारे सेनाओं के आधुनिकीकरण करने में पैसा खर्च होता, इससे हम परमाणु बम लगाने में और पैसा खर्च करते, अपनी सेनाओं को और आधुनिक यंत्रों से लैस करने के लिए, उनके एडवांस ट्रेनिंग के लिए खर्च करते। तो अब ये पैसा कितना लगा पड़ा है? कम से कम 150 से 300,00,000 करोड़। तो एक हो गया ये ब्लॉक मनी, इसलिए इसको थोड़ा आप अलग अलग तरीके से समझ लेंगे। जो मैं बात ये कहना चाह रहा था कि हमें अपने इस पूरे युद्ध में, ये महायुद्ध है, मैं इसको क्या समझा देता हूं, महायुद्ध क्यों है? युद्ध कौन कराते हैं?
युद्ध कौन कराते हैं? पॉलिटिशियंस। आम नागरिक कभी युद्ध कराते हैं किसी देश के? नहीं। तो जो युद्ध कराने वाले लोग हैं उनको यदि हम बदलना चाहते हैं, उनको सत्ताओं से बेदखल करना चाहते हैं, हम उन सिंहासनों पर बैठे हुए लोगों के आसन यदि हिलाना चाहते हैं, तो ये तो युद्धों का भी महायुद्ध है। लेकिन इसमें मैंने कहा, एक तो वो है जो इस अभियान में हमें अपना शत्रु मानते हैं, हम उनको शत्रु ना माने, हम तो मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे। जब हमारे देवताओं को नमस्कार किया जाता है तो हमारे यहाँ पर जो है उनको बोला जाता है रुद्राय नमः, भैरवाय नमः, हाँ, और उनको कई उपाधियाँ दी जाती हैं। तो फिर उनको दूसरी उपाधि दी जाती है कि वो मित्राय नमः, वरुणाय नमः, हाँ, सब वो मित्र भी हैं। तो वो असुरों का संहार भी करते हैं। और हमारा तो एक भी देवी देवता, जो लोग ये बात करते हैं कि बाबा जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई क्यों लड़ते हैं, तो बोले हिंदुस्तान के आज तक का एक भी किसी देवी देवता का नाम बता दो, किसी एक भी महापुरुष का नाम बता दो, एक भी ऐसे प्रामाणिक आदर्श पुरुष का नाम बता दो जिसने पाप के, अन्याय के, नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई ना लड़ी हो। सबसे पहले तो मीडिया में जाओ, कहीं पर भी जाओ, सबसे पहले यही प्रश्न आता है, क्या बाबा जी लड़ाई क्यों लड़ते? अरे किसने नहीं लड़ी, उसका एक का भी तो नाम बता दो। गुरु नानक देव जी से लेकर के, गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर के, भगवान राम कृष्ण शिव से लेकर के, महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद, किसने जो है नाइंसाफी की, पाप के खिलाफत नहीं की? खैर एक अलग विषय है। तो मैं आपको उसको बात कर रहा था कि इसमें हमें एक तो अपने शत्रु पक्ष समझना है। तो जो पावरफुल लोग हैं जिन्होंने नाइंसाफी करके अपार धन दौलत जमा कर लिया वो है, तो उनको एक तो डर ये लगता है कि हमारा आज तक जो हमने जमा किया वो खत्म हो जाएगा, और दूसरा बोले हम भी खत्म हो जाएंगे। मेरे से बोले बाबा ये मुहिम सफल होगी तो क्या होगा? मैंने कहा जब ये मुहिम सफल होगी तो जब जो किसी ने नहीं सोचा था इतना तो धन वापस मिल जाएगा देश को, 1,000,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इस देश को वापस मिलेगा जो अब तक लूटा है, और आगे से जो लूटने से बच जाएंगे वो तो अनलिमिटेड हमारे रिसोर्सेज हैं। जो ज्ञात रूप में 10 रिसोर्सेज की मैं बात करता हूं वही 20,000,00,000 करोड़ रुपए के हैं, बाकी तो अपने देश में जैसे अनअकाउंटेड मनी है, तो मैं आजकल इसको बोलता हूं अनअकाउंटेड अनलिमिटेड जो मनी अभी तक है लूटा हुआ, ऐसे अनअकाउंटेड रिसोर्स, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड पावर है, नॉलेज है, स्ट्रेंथ है, यंगस्टर्स हैं हमारे देश के अंदर, यूथ है हमारे देश में, नॉलेज है हमारे देश में, वो सबको भी हम आगे देश के, नेशन के बिल्डिंग के लिए हम यूज कर सकेंगे। बहुत से लोग पूछते हैं आपका जो नेशन बिल्डिंग का आपका विजन क्या है, ब्लैक मनी तो आ जाएगा, अरे पैसे से तो राष्ट्र बनता है, दूसरा चरित्र, तो हम दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, एक तरफ करेक्टर बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ नेशन बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। तो आपको उत्तर आना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं ब्लैक मनी आ जाएगा कैसे देश बन जाएगा, अरे ब्लैक मनी ये जो है किसी भी, ये पैसा कोई चीज नहीं है, दरअसल सारे संसाधनों का, सारी सुविधाओं का, सारी सारी चीजों का मूल्यांकन जो है वो पैसे में कर दिया जाता है, और वो सारी शक्ति फिर कुछ लोगों के पास केंद्रित हो गई है, ये दिक्कत है। इसलिए ये मात्र जो पैसे की लड़ाई नहीं है, ये सारी सारे संसाधन, सारी शक्ति, सारी संपत्ति, सारी व्यवस्था कुछ लोगों के हाथों की कठपुतली बन गई है, कुछ लोगों ने सब लोगों की खुशियों को रौंद दिया है। तो एक हमारे शत्रु पक्ष, एक हमारे मित्र पक्ष, दूसरे जो तटस्थ लोग हैं उनको भी मैं कह रहा था स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ये कहां कहां है, अब ये हमले हमारे ऊपर कहां कहां से होते हैं, कौन लोग करते हैं, ये तो बहुत बड़ा विजन हो गया। पॉलिटिशियंस, क्या सारे पॉलिटिशियंस की ओर से होते हैं? नहीं। क्या सारे जुडिशियली के लोगों की ओर से? नहीं। क्या सारे ब्यूरोक्रेट्स की ओर से होते हैं? नहीं। क्या सारे जो है कॉर्पोरेट की ओर से होते हैं? नहीं। क्या सारी एमएनसीज की ओर से होते हैं? नहीं। क्या सारे कंट्री हमारे शत्रु हैं? नहीं। इसमें क्या कुछ लिमिटेड लोग हैं, जैसे गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट में जैसे डिफरेंट मंत्रालय होते हैं, ऐसे एक मंत्रालय है उसका नाम है डटिटिक्स मिनिस्ट्री। ये डटिटिक्स मिनिस्ट्री में कौन है? अभी 4-5 लोग काम करते हैं, उनके नाम बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब लोग उनको अच्छी तरह से जानते हैं। तो ऐसे 4-5 लोग हैं,
वो गवर्नमेंट तय करती है उनको कि भाई तुम्हें यही काम करना है कि जो भी देश में अच्छा काम कर रहे हैं उन सब के को गालियां दो, उनके चरित्र को जो है खत्म करने की कोशिश करो। कौन खत्म होता है उनसे? मैं कहता हूं जिसने मुझे उठाया नहीं वो मुझे गिरा भी नहीं सकता, जिसने मुझे बनाया नहीं वो मुझे मिटा भी नहीं सकता। ये मैं अपने संदर्भ में नहीं कह रहा, यह एक हकीकत बात है। तो जिसने मुझे उठाया नहीं मुझे वो कैसे गिरा देगा, जिसने मुझे बनाया नहीं वो कैसे मिटा देगा। तो ये दरअसल एक तय किया जाता है कि आप पांच लोगों का काम है कि आप लोग जो है मीडिया के साथ में बातचीत करो, उसमें जिम्मेदारी दी जाती है प्रिंट मीडिया के साथ तुम करो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ तुम बात करो। फिर उसमें जिम्मेदारी दी जाती है कि जो देश के अंदर अच्छे सच्चे लोग हैं उनके उनके खिलाफ तुम बयान दो। फिर उनको कहा जाता है तुम इनकम टैक्स के ऑफिसर्स को फोन करो, फोन करते डायरेक्ट। अब तो हमें सारा इसको हम जीते हैं उसको। हमने कहा ना कुछ सच ऐसे होते हैं जो सुने जाते हैं, किताबों पढ़े जाते हैं, हम जो सच कह रहे हैं उसको हमने जिया है। हमारे ऊपर आप सोच नहीं सकते, करीब पता नहीं 100 करोड़ या 150 करोड़ रुपए, 100 से 150 करोड़ रुपए हमको नोटिस आ चुके हैं कि आप जमा करवाइए। किस बात का? कि आपने जितना भी डोनेशन लिया है आपके ऊपर जो है दान वो टैक्स लगेगा आपके दान के ऊपर। मैंने कहा ये क्यों भाई? हिंदुस्तान में 5 लाख से ज्यादा ट्रस्ट हैं, लाखों एनजीओ हैं, कोई उस जो है पैसे को लाकर के जो है कॉरपोरेट को सेफ करने के लिए स्पीड ब्रेकर का काम करता है, कोई एनजीओ इस देश के अंदर कई तरह के यूएन की योजनाओं को यहां पर लागू करने का काम करता है, कोई एनजीओ इस देश के अंदर अमेरिका की योजनाओं को लागू कर रहा है, कोई आईएमएफ की योजनाओं को, वर्ल्ड बैंक की योजनाओं को, कोई इस देश के अंदर जो है डब्ल्यूटीओ की योजनाओं को लागू कर रहा है, कोई एनजीओ इस देश के अंदर अमेरिका को प्रोपेगेट करता है। वो लाखों करोड़ रुपए का काम करने वाले लोग उनका सबका दान और तुम्हारे ट्रस्ट हैं, उन ट्रस्ट के पैसों से लोगों को सैलरी पर रखा जाता है, सैलरी जा रही है ट्रस्ट के पैसे से। और काम किसके लिए कर रहे हैं? काम कर रहे हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए, उसके पास में हजारों पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जिनको सैलरी जाती है। तुम दे रहे हो अपने वर्कर्स को सैलरी ट्रस्टों से। हमारे यहां पर जितने भी भाई काम कर रहे हैं किसी को एक को भी सैलरी नहीं दी जाती है ट्रस्ट से। इनका इंटरेस्ट है नेशन में और ट्रस्ट है इस काम में। ट्रस्ट का एक ट्रस्ट होता है, एक दूसरा विश्वास। ट्रस्ट है इस काम में, इंटरेस्ट है नेशन में, इसलिए आप लोग काम कर रहे हैं। तो मैं बात कह रहा था, तो वो जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है वो क्या काम करता है? वो इनकम टैक्स से कोऑर्डिनेशन का काम करता है, वो सेल टैक्स से कोऑर्डिनेशन का काम करता है, वो जो है ईडी से कोऑर्डिनेशन का काम करता है, वो सीबीआई से कोऑर्डिनेशन का काम करता है, वो जो है मीडिया से कोऑर्डिनेशन का काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से कोऑर्डिनेशन का काम करता है। फिर अब तो 100 करोड़ रुपए तो वो दे चुके हैं, अभी हमको कोई डेटिटिक्स होना भी नहीं है। लेकिन उनकी शत्रु की देखो युद्ध में रणनीति हम नहीं तय करते, युद्ध में रणनीति शत्रु तय करता है। युद्ध में रणनीति कौन तय करता है? शत्रु तय करता है कि हमारी रणनीति क्या होगी। तो शत्रु तय करता है रणनीति, तो उनको उनकी भाषा में ही जवाब देना है। अब मैं आगे आपसे बात ही कर रहा था कि इसमें ये डेटिटिक्स डिपार्टमेंट, तो आपको पता होना चाहिए, तो आप इसके ऊपर कमेंट करो। कैसे कमेंट करोगे? कि ये जितने भी एक 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 वाक्य में सारे आरोपों का उत्तर, एक तरफ कितने प्रश्न मुझ पर प्रश्न किए गए, बाबा को लगता है पॉलिटिक्स का लालच आ गया है। बोले बाबा को क्या नहीं मिला था जिसका जिसको लालच आ गया है? देश के 3-3 राष्ट्रपति, 3-3 प्रधानमंत्री, 5-5 कह सकते हो भूतपूर्व वर्तमान मिला करके, 3-3, 5-5 प्रधानमंत्री, 3 राष्ट्रपति, 3 बार तो राष्ट्रपति भवन में मैं शिविर कर चुका हूं। भारत रत्न का ऑफर तो मेरे पास में 7 साल पहले आ चुका था। तो कुछ लोगों को पुरस्कार और एक घटिया सा लोकपाल, और खाली लोकपाल से देश नहीं बनेगा भाई, वो तो एक सिस्टम का एक पार्ट है। मैं शुरू से बोलता था तो मुझसे लोग बोलते थे ये बाबा जी तो हमेशा जो है ना जो है कमियां निकालते रहते हैं। अरे हमने कहा भाई खाली लोकपाल से भ्रष्टाचार कैसे दूर हो जाएगा? जब तक इस देश में सीबीआई स्वायत्त नहीं होगी,
जब तक इस देश में सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ठीक से काम नहीं करेगा, उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया इस देश में सीबीआई के डायरेक्टर की, सीवीसी की सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो हेड होता है उसकी, इस देश के अंदर जो चुनाव आयोग का जो हेड होता है उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया, कैग की नियुक्ति की प्रक्रिया, चारों की नियुक्ति की प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है। इसके लिए बीच में एक बार बात उठी फिर दब गई, हमने उसको पूरा इसमें लिखा हुआ, भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा, मजबूत लोकपाल बनना चाहिए, वो इतना होगा उसमें कि सारी शिकायतें सेंट्रलाइज हो जाएंगी, बस वो एक खाली डेटा बैंक इकट्ठा करने का काम करेगा वो, और इनको निर्देश दे सकेगा कि भाई ये सीबीसी इसको देखे, इसको सीबीआई देखे, इसको कैग देखे, इसको चुनाव आयोग देखे। लोकपाल खाली एक वाच करने वाली बॉडी हो सकती है जिसको यह अधिकार हो कि वो अधिकार पूर्वक उनसे जांच करवा सके। फिर सारी जांच कहां जाएगी? ज्यूडिशियली सिस्टम में। जब तक ज्यूडिशियली अच्छी नहीं होगी, या लोकपाल का बाप बना लो, हिंदुस्तान ठीक नहीं हो सकता। सारी जांच कहां जानी है? ज्यूडिशियरी के पास। तो जांच करने का काम पुलिस का, सीबीआई का, जो भी जो सिस्टम है उसका है। जांच होने के बाद में न्याय कहां से मिलेगा? न्यायालय से। न्यायालय को आप ठीक नहीं करना चाहते, ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए कुछ करना नहीं चाहते। क्यों? जिस दिन ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए काम किया उस दिन ये सारे जेल में जाएंगे 99%। तो इस देश में जब हमने तीन बातें उठाई, काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन, लोगों ने कहा बाबा जी आप जो व्यवहारिक नहीं हो, इस देश में तो एक ही बात उठाई जाती है। मैंने कहा एक बात से हिंदुस्तान नहीं बनेगा, तीनों बातें जब तक नहीं होंगी। अब सब लोगों को रोध हो करके, घूम फिर करके, झक मार करके इस काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन पर आना पड़ा है। अब जो रूलिंग पार्टी है वो भी व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है, लेकिन क्या मतलब हुआ? आप लोग इसके ऊपर, आप लोगों ने पता नहीं कितना लिखा, कितना इसके ऊपर लिखना चाहिए कि सत्ता पक्ष का काम मांग करना नहीं है, सत्ता पक्ष का काम कार्रवाई करना है। आप एक प्रश्न छोड़ो ना, बार बार कहने का अधिकार है विपक्ष को या सामान्य लोगों को, जनता को, आम जनता, साधारण जनता, उसका कहने का अधिकार है, राइट टू स्पीच। और जो रूलिंग पार्टी है और जो विपक्ष है, विपक्ष भी जो अपोजिशन है वो भी कह ही सकता है, क्योंकि उसके पास करने की पावर नहीं है। करने की पावर किसके पास होती है? रूलिंग पार्टी। तो रूलिंग पार्टी का काम कहना नहीं होता है, रूलिंग पार्टी का काम करना होता है। बोले बाबा जी आप ध्यान सिखाते हो तो इतनी ऊंची भाषा बोलते हो। मैंने कहा ऊंचाई में प्रवेश करने के लिए। और इन शत्रुओं के लिए, अब भगवान राम ने कोई जब रावण की नाभि में जब बाण मारा था तो वो कोई गायत्री मंत्र बोल रहे थे क्या? तो गायत्री मंत्र से रावण नहीं मरेगा, उसके लिए तो बाण ही चलाना पड़ेगा। कंस और शिशुपाल का वध करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं, सुदर्शन चलाना पड़ेगा तब कंस और जरासंध का। तो ये तो काम, तो हमारा काम यथा योग्य बर्ताव करना। तो इनसे पूछे कोई कि जो है, अब उसका आप अपने ढंग से बना लेने, मेरे मुंह से इतना ही कहना ठीक है कि जो है भाई तुम्हारे पास में सारी पावर है और तुम कहते हो कि एक पुलिस वाला रिपोर्ट नहीं लिखता, तो सिस्टम को ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं बनाते हो? तुम कहते हो कि आम आदमी का इस सिस्टम में कोई स्थान नहीं है। तो मैं बात ये कर रहा था, आप लोगों को अपनी बातों का जवाब बहुत पुख्ता देना है और इन लोगों को नैतिक धरातल पर, देखो ये जो है कहीं पर किसी चीज को घेरा जाता है, एक तो नैतिक धरातल पर घेरा जाता है, एक उनके जो लूट के जो प्रमाण हैं, तथ्य हैं, आंकड़े हैं, उसके स्तर पर उनको घेरा जाता है। और इसके साथ साथ अपनी ताकत इतनी बढ़ा लो कि शत्रु अपने आप ही परास्त हो जाए। देखिए भाई अब मैं जो है मेरी दाल गलेगी नहीं, ये क्यों घबराए हुए हैं? हमने जब इस बात को कहा तो मेरे से कुछ लोगों ने पूछा बाबा जी इन भ्रष्टाचारियों का क्या होगा? तो पहले हम बोलते थे इन भ्रष्टाचारियों से तो जो लूटा है वो तो छीनना पड़ेगा, और उससे बाद में इनकी जो सही जगह वहां पहुंचाना पड़ेगा। तो मेरे से बोले बाबा जी आप इनको ये जो बात कह रहे हो ना, बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, जो है
माने सुप्रीम कोर्ट के जजों से लेकर के और मतलब देश के अलग अलग फील्ड के जो बड़े लोग थे, उन्होंने कहा मेरे से बाबा जी आप ये जो है ना ये बात मत करो, बोले इनसे जो लूटा वो छीन लो, वो तो इनका है नहीं, लेकिन इनको ना ये मृत्युदंड की बात मत करो। मैं कहता था बलात्कारी, भ्रष्टाचारी और मिलावट करने वाले तीन लोगों को जो व्यवस्था परिवर्तन के पत्रक में। अभी पीछे जब बात कर बोला आपने आज मुद्दा क्यों उठाया, मैंने कहा हम तो पहले से उठा रहे थे, कोई सुने तब हमारी। तो बात ये है, तो फिर कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि इनके लिए जैसे चिड़ियाघर में जानवर कैद होते हैं ना, ऐसी इनकी झांकियां बनाई जानी चाहिए, लूट का सामान वापस लेने के बाद पूरे देश में निकालना चाहिए। बोले बाबा जी ये भी दिन आ जाएगा कभी, क्यों नहीं आ सकता। अरे पाकिस्तान के दो प्रधानमंत्री, जब उस एक को तो जो है बर्खास्त कर दिया गया, दूसरे को बर्खास्त करने को ऑर्डर कर दिए और इनको जेल होनी है, और बाद में इनको यदि किसी को मृत्युदंड भी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के शायद जेलें कम पड़ जाएंगी, इतने ज्यादा बेईमान लोगों की भीड़ लग जाएंगी जेलों के बाहर। इसके लिए फिर मुझे योग शिविर लेना पड़ेगा, इनका शुद्धिकरण करने की कोशिश करनी पड़ेगी जो हो सके, तो नहीं तो फिर ऐसे लोगों को खिलाने पिलाने से भी देश का नुकसान ही है। क्या फायदा ऐसे लोगों को खिला पिला करके, अच्छे लोग गरीब लोग बहुत भूखे हैं उनको खिलाओ पिलाओ। खैर आपको मैं बात कर रहा था, एक तो नैतिक धरातल पर इसको घेरना, दूसरा इनको आर्थिक धरातल पर घेरना है तर्क तथ्य और प्रमाणों के साथ, और तीसरा राजनीतिक धरातल पर। राजनीतिक धरातल पर इनके पास में जब कोई करैक्टर नहीं है ऐसे, तो इनके सामने ये चीजें रखो कि ये जो है ये ब्लैक मनी कोई सपना नहीं है, ये प्रोफेसर कैल्डोर से लेकर के वांचो कमेटी से लेकर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी से लेकर के सभी अर्थशास्त्री आईएमएफ से लेकर के वर्ल्ड बैंक से लेकर के और ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल और टैक्स जस्टिस नेटवर्क, सारी दुनिया के लोग एक तरफ एक स्वर से कह रहे हैं भाई इतनी बड़ी लूट हुई है, तो बे इंतहा ये चीज। तो इनको नैतिक धरातल पर घेरना है, आर्थिक धरातल पर घेरना है, और राजनीतिक रूप से इनके अंदर योग्यता ही नहीं है, ये अयोग्य व्यक्ति है। तो ऐसे अयोग्य यत्र पूज्यन्ते पूज्यानाम तो तिरस्कृह तृणी तत्र वर्धन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम, ये तीनों चीजें हिंदुस्तान में हो रही है, ये शास्त्र का वाक्य नीति वाक्य है। अपूजनीय लोगों का, अयोग्य लोगों का जहां पर सम्मान होता है वहां तीन चीजें बढ़ती हैं, दुर्भिक्षम अकाल पड़ता है, मरणम वहां लोग मरते हैं, और भय चारों और समाज में भय व्याप्त हो जाता है, वो हो चुका है। खैर तो ये तो हुआ अपने, अब बात आती है अपने पक्ष की कि हमें अपनी बात को कैसे मजबूती से रखना है। तो उस बात को एक पक्ष अभी ले लेते हैं, बाकी पक्ष की बाद में चर्चा करेंगे। उसमें अक्सर कोई कभी भी प्रश्न किसी भी तरह की जब भैंसें छिड़ती हैं तो एक तो तात्कालिक भैंसें होती हैं, जैसे हमने काले धन के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर या बलात्कार के किसी भी मुद्दे के ऊपर हमने कोई आंदोलन किया, तो उस समय जो है संगठन की ओर से, ऑर्गेनाइजेशन की ओर से प्रेस रिलीज दी जाती है या मीडिया में वर्जन दिया जाता है, तो उसको फॉलो करना है सबको, तो वो बड़ा प्रश्न नहीं है। उस समय जो भी जो प्रेस रिलीज होगी, मीडिया का वर्जन होगा, वो आप तक पहुंच जाएगा, तो आपको इमीजिएटली जिस मुद्दे के ऊपर रिएक्ट करना है, जो इंस्टेंट जो इश्यू होते हैं, जो उठते हैं समाज के अंदर, हर रोज उठते हैं, कभी कभी उठते हैं, 5-7 दिन में उठ जाते हैं, तो उसके ऊपर जो भी जो है आधिकारिक जानकारी होगी वो आपको मिल जाएगी, कहाँ, भारत स्वाभिमान की वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगी, अपने भारत स्वाभिमान के फेसबुक पर मिल जाएगी, आपको ट्विटर पर मिल जाएगी। तो जो आपको एक तो जो तात्कालिक चीज से रूप से जो बातें उठती हैं उनका तो आपको जो है ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर क्योंकि ज़्यादा लिखा जा सकता है, ट्विटर के ऊपर छोटी सी लाइन होती है, उसमें पूरा विजन क्लियर नहीं हो पाता है, तो भारत स्वाभिमान की वेबसाइट के ऊपर, तो आपके पास तो ये सबसे बड़ी रिसोर्स है कि इसके ऊपर आपको ऑथेंटिक किस चीज़ के ऊपर कैसे रिएक्ट करना है। तो जो भी कुछ कोई कॉमेंट कर रहा है तो उसका भी जो
तात्कालिक रूप से कोई चीजें घट रही हैं और उसके ऊपर कोई जो है गलत तरीके से जो है उसको रिएक्ट कर रहा है, तो मैं कह रहा था उसमें लोग गलत गलत रिएक्ट करने वाले लोग जो है, हम सबको शत्रु ना माने। मैंने कहा जो ये पॉलिटिक्स में जो डर्टी टिक्स डिपार्टमेंट हो कैसे काम करता है, और फिर ये अपनी एजेंसियों का मिसयूज करते हैं, ये तो मैंने बड़े रूप में कहा। इतने बड़े लोगों ने मुझसे पिछले कुछ दिनों के अंदर संपर्क करके कहा कि बाबा जी आप जो है या तो अपनी मुहिम बंद कर दो या तो जेल में जाने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने कहा जेल में से भी आगे कोई जगह है तो वहां चाहे भेज दो, लेकिन ये मुहिम बंद नहीं होगी। हमको जेल का डर दिखाते हो, जेल कौन सा जन्नुम है, क्या क्या है जेल? अब मैं आपसे बात कर रहा था, हमको सबको शत्रु नहीं, कुछ लोग जो है ये जो डर्टी टिक्स डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, ये डर्टी टिक्स डिपार्टमेंट अलग अलग तरह से काम करते हैं। फिर दुर्भाग्य से जिनको देश की रक्षा का काम करना चाहिए, सुरक्षा का काम करना चाहिए, मैंने कहा जो है ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से तो मैंने कहा इनकम टैक्स और सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, ईडी, इनको यूज किया जाता है। फिर जो है जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं देश की, उनको हमारे खिलाफ लगाया जाता है कि इनको इनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचो। आप कहेंगे कैसे षड्यंत्र होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। माने हत्या से लेकर के बलात्कार से लेकर के सारे आरोप इनके ऊपर लगा दो कि लोग कहेंगे अरे बाबा जी ने हत्या करवा दी किसी की, हम तो सोच भी नहीं सकते थे स्वामी रामदेव हत्या भी करा सकते हैं। अच्छा लोग जैसे वही मैंने कहा ना सासू बहू वाली बात है कि अब किसी सासू को कह दिया किसी ने कि तेरी बहू तो तेरे को जहर दे के मारेगी। अब बताओ कोई ऐसा हुआ है? तो अब सासू बहू के हाथ का खाना ही नहीं खाती, क्यों? गलतफहमी पैदा कर दी। ये ऐसे गलतफहमी पैदा करते हैं कि बाबा जी ने हत्या करवा दी। अब आप सामान्य रूप से तो इसको नहीं मानते हो, लेकिन जब इसको एजेंसियों से कहलवाया जाएगा, इसको जो है इस बात को जो है और अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लोगों से कहलवाया जाएगा, और यहां तक कि ऐसे फिर कई कई चारों तरफ से जो है ऐसे ही जो लोग और जो सो कोल्ड जो है इलीट हैं, जिनको जो है वोकल इलीट्स, सो कॉल्ड इलीट्स, लिटरेट इडियट्स, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको खरीदा जाता है सत्ताओं के द्वारा। तो आप उन सब तो एक तो ये डर्टी टिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो काम किया जाता है उसको तो आपको पूरी प्रामाणिकता से जवाब देना है, ठीक है। दूसरा, लोगों के अंदर लोगों को क्या फैलाया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है, फिर अफवाहें, भ्रम, उसको अफवाह कहते हैं, कुछ इस तरह से कुछ षड्यंत्र किए जाते हैं। तीसरा, लोगों को जो है डरा करके उनसे कुछ करवाया जाता है कि मीडिया को बोले तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, नहीं तो जो हम कह रहे हो बाबा जी के खिलाफ चलाओ, बोलो क्या करेगा वो। तो अब तो जो है अभी बहुत सी चीजें, तो एक तो हो गया भ्रम, दूसरा हो गया भय, तीसरा हो गया प्रलोभन कि तुम ये काम करो, किसी को पद का प्रलोभन, किसी को पैसे का प्रलोभन, किसी को प्रतिष्ठा कि तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। बाबा के खिलाफ बोलते रहो सुबह से शाम तक। मैं कह रहा था एक भ्रम फैला करके, दूसरा भय से, तीसरा प्रलोभन से हैं? तो फिर और कैसे किया जाता है जो है चीजों को खत्म करने के लिए। अब सामान्य आदमी क्या होता है, वो इन चीजों से प्रभावित हो जाता है, तो इन चीजों से प्रभावित होकर के एक नेगेटिविटी क्रिएट की जाती है। जैसे अभी एजेंसी को लगाया गया, सारे प्रोडक्ट उठाए गए, सब चेक कर लिया हजारों हजारों बार, जब कुछ नहीं मिला तो बोले बाबा के उत्पाद फेल। मैंने कहा बाबा कोई फैक्ट्री है क्या कि बाबा के नीचे ऊपर से कुछ निकलता है क्या?
बाबा की फैक्ट्री फेल। तो मैंने कहा मेरी फैक्ट्री में क्या गड़बड़ है, चेक कर लो, लीवर की नहीं, हार्ट एकदम फिट है। फिर दूसरी बात बोले प्रोडक्ट की जांच, प्रोडक्ट में क्वालिटी में कुछ नहीं पाया गया, जो है लेबल में गड़बड़ है, लेबल में फेल हो गया। अरे लेबल, अब ये तो अफवाहें चली नहीं, लेकिन इनका ये कई तरह से काम करते हैं लोग, कुछ नहीं। अब ये सारा आप सोचो कि आपका पंगा किसी एक छोटे से बदमाश से पड़ जाए तो आपकी हालात क्या होती है, और फिर भी हम रात को आराम से सोते हैं और दिन में हंसते हंसते काम करते हैं। लोग थोड़ी सी बात से परेशान हो जाते हैं तो स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए कोई दारू पीता है, कोई विस्की पीता है, कोई गुटखा खाता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई पिक्चर देखने जाता है, कोई जंगल में घूमने जाता है, क्या बोलते हैं एडवेंचर क्या बोलते हैं। तो इन लोगों के साथ में सच कहता हूं, ऐसी परिस्थिति इस देश में पैदा कर दो, इतनी घृणा पैदा कर दो इन बेईमान लोगों से कि लोग इनकी छाया पड़ने में भी पाप अनुभव करें। इनकी छाया पड़ने को भी लोग जो है पाप समझने लगे, ऐसा वातावरण पैदा करना है। तो हमारे पास तो कोई डेटिटिक्स डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन हमारे पास में, अरे इनके पास कितने लोग हैं सब मिला करके, सीबीआई आदि मिला करके, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ईडी आदि मिला करके, जो इतने भी इनके करप्ट ऑफिस, करप्ट जो भी प्रभावशाली, जो ताकतवर लोग कहते हैं, जो इंटरनेशनल फोर्सेज हैं, जो है चाहे किस भी नाम से वो काम कर रही हैं, एमएनसीज हैं, सब मिलाकर के जितने होंगे इस हिंदुस्तान के 100 करोड़ से जो ज्यादा साधारण लोग हैं वो हमारी ताकत। तो आप उनको टारगेट कीजिए ना, आप इनसे क्यों परेशान होते हैं? उनको वो हमारा टारगेट है। तो ये लोग उनको प्रभावित करके, इनको प्रभावित करके नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो हमको उसके लिए जो है एक प्रोजेक्ट, भाई मुखी जी ने बताया कि भाई जो भी इस तरह से नेगेटिव बातें प्रचारित करते हैं तो आपके संज्ञान में तुरंत आएंगे, तो तुरंत उसको उत्तर दो। अब जो एक तंत्र की बात है वो ले लेता हूं अब अंत में, कि बात किसके लिए करते हैं, हमारे बारे में नेगेटिविटी क्या फैलाएंगे, जो उनकी उनकी तो हम हकीकत सामने रख रहे हैं और ये हमारी, ये हमारे सच को जुटलाने की कोशिश करते हैं। इनका इनका नैतिक धरातल पर चरित्र क्या है, और इनका जो है ऑर्गेनाइजेशन तो कुछ है ही नहीं उसको, उसमें वो तो आपको आश्चर्य होगा, वोट के समय इनको अपने बूथ के ऊपर भाड़ी पर आदमी रखने पड़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ है ही नहीं इनके पास। तीसरा, इनका कुछ कंट्रीब्यूशन है ही नहीं ना इनका। देखो जिसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, एक तो करेक्टर होता है, एक उसका कोई कंट्रीब्यूशन होता है। कंट्रीब्यूशन के ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा कमेंट लिखा है, इसमें बहुत बातें, इसमें बातें अलग, उसको आपको ना कई तरह से, उसको आपको डिफरेंट एस्पेक्ट से उसको एनालिसिस करना है। बातें इसमें एक तरीके से, कोई चीज एक तरीके से लिखी जाएगी, आप उसको 10 तरह से लिखा हुआ है कि भाई पैसा कहां से आ रहा है सब, ये जो जा रहा है लाखों करोड़ रुपए कर्ज, तो आम आदमी के पास पैसा है नहीं, वो तो जो है महंगाई से, बेरोजगारी से, गरीबी से, भूख से, गैर बराबरी से बदहाल है, तो पैसा किनके पास है? तो सीधी सी बात है, बेईमान लोगों का मैक्सिमम पैसा है जो इसके रूप में मिल रहा है। फिर जैसे इसमें कंट्रीब्यूशन के लिए हमने कहा देश के विकास का श्रेय किसको है, देश के विकास का श्रेय इस देश के ईमानदार किसानों को है, जवानों को है, मेहनत कश इस देश के ईमानदार वो लोग, प्रोफेशनल्स, वो चाहे वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, अपने अपने फील्ड में, देश के विकास का श्रेय देश के मेहनत का ईमानदार लोगों को, और देश के विनाश की पूरी जिम्मेदारी इन बेईमान लोगों को। तो ये कहते हैं हमने देश को ये दिया, अरे क्या दिया, तुम हमारे नौकर हो, तुमने तनख्वाह ली है हमसे, तुम एमएलए हो, तुम एमपी हो या मिनिस्टर हो, सब तनख्वाह लेते हो, क्या दिया तुमने, तुमने लिया इस देश से, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या बताओ, हमने जो इस देश के लिए कंट्रीब्यूट किया वो हम बता रहे हैं। तो इनका कैरेक्टर, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, फिर इन्होंने लूट क्या की है, इन्होंने किस तरह के स्कैम्स किए हैं, किस तरह के घोटाले किए हैं, फिर
जो है इनकी योग्यता क्या है, इनका इनकी योग्यता क्या है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है। अब ये बातें उल्टा जो है हम पर करते हैं। अब हम आपको जन्म से लेकर के आज तक अपनी कहानी बता देते हैं। भाई हम कोई हमारे बारे में कोई भी प्रश्न करता है तो क्या करेगा, हमारे बारे में प्रश्न करेगा, श्रद्धा आचार्य जी के बारे में प्रश्न करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में प्रश्न करेगा, या जो है अपने जो फ्यूचर के प्लान्स हैं उनके बारे में प्रश्न करेगा। इसकी ये इतनी तो तीन चार ही तो चीजें होती, तीन चार चीजों के बारे में आप जान लो फिर आप हर प्रश्न का जवाब आप खुद दे सकते हो, इसमें क्या बात है। तो हमारे कैरेक्टर के बारे में, हमारे लाइफ के बारे में, जन्म से लेकर के आज तक, हम एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुए, छोटे से गांव में पैदा हुए, सरकारी स्कूल में हमने पढ़ाई की, उसके बाद में गुरुकुल में आ गए, और उसके बाद हिमालय से लेकर के अभी पतंजलि योगपीठ तक यहाँ तक आए हैं हम। आप किसी भी व्यक्ति से कह सकते हो जन्म से लेकर के आज तक हमने ना किसी के साथ धोखा किया, ना किसी के साथ छल किया, ना किसी की हमने हत्या की, ना हमने किसी की चोरी की, ना हमने कोई दुराचार व्यभिचार किया, ना हमने कोई अनैतिक काम किया, ना कोई आर्थिक लूट की, ना कोई हमने देश को नुकसान पहुंचाया, बल्कि हिंदुस्तान की सरजमी से लेकर के पूरी दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों तक भारत का झंडा हमने फहराया है, योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, वैदिक ज्ञान के माध्यम से देश को प्रतिष्ठा दिलाई है। तो आप किसी के बारे में कोई भी पूछे तो कह सकते हैं। आदमी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं चारित्रिक, आर्थिक, आर्थिक आरोप क्या लगाए जाते हैं, पैसे के बारे में। तो भाई पैसे के बारे में मेरा ना कोई पर्सनल अकाउंट और कुछ नहीं मिला, तो एक दिन किसी अखबार वाले ने बोले बाबा जी के नाम से अकाउंट मिला, फिर नीचे लिख रखा ट्रस्ट में सिग्नेचर ही है बाबा। अरे तो ट्रस्ट में मैं प्रेसिडेंट हूं तो सिग्नेचर तो करना ही पड़ेगा। आप देखो, अब ऊपर हेडिंग बनाया गया कि बाबा के नाम से खाता मिला और नीचे क्या लिखा, बाबा ट्रस्ट में सिग्नेचर करने के लिए ऑथराइज हैं। अरे मैं जब ट्रस्ट में मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया है और मैं तो कोई प्रेसिडेंट जो है कोई नेतागिरी करने के लिए तो हूं नहीं, एक संरक्षक के रूप में हूं, तो उसमें राइट करने का अधिकार वो ऑफिशियली होता है सिग्नेचर करने का राइट। तो मैं आपसे बातें कर रहा था, आर्थिक आरोप लगा, आर्थिक रूप से मैं तो कहता हूं देश नहीं दुनिया। और ये आपको एक खास बात बताता हूं, इनके एक मिनिस्टर को पार्लियामेंट में बयान देना पड़ा कि हमने सारी एजेंसियां लगा करके पता लगवाया, बाबा के नाम से एक इंच हमें जमीन नहीं मिली, एक रुपए कहीं बैंक बैलेंस नहीं मिला, ऑफिशियल बयान है इनके मिनिस्टर का। अब जो है ये बात करते हैं श्रद्धा आचार्य श्री की कि, और तो बोले कहीं कुछ नहीं कर पाए, तो बोले आचार्य जी के, आचार्य जी को हमने जेल भेजा। अरे जेल तो तुम किसी को भी भेज दो उठा करके। श्रद्धा आचार्य श्री की डिग्री की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन की, तो पहली बात तो है कि श्रद्धा आचार्य भाषण जी कोई डिग्री जो है कोई नौकरी के लिए नहीं लेने गए। दूसरी बात यह कि उनका कहते हैं एमए में तो रिकॉर्ड है, बीए में नहीं है, दसवीं में नहीं है, बोले आदमी जो है वो छत पे तो चढ़ गया लेकिन बिना सीढ़ियों के गया है, ये कैसे हो सकता। अरे भाई सीढ़ी जब आठवीं दसवीं की है तो एमए में कैसे चला जाएगा आदमी, बोले छत पे तो चढ़ गया लेकिन सीढ़ियों के इस्तेमाल ही नहीं किया, तो कोई चमत्कार करवा दिया। तो मैं कह रहा था ये इस तरह से झूठे जो आरोप लगाए जाते हैं वो इस तरह के होते हैं और कुछ नहीं होता है। फिर जो सबसे बड़ा आरोप लगाया जाता है कि बाबा को राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अरे बाबा ने हजार बार कहा है कि कभी वो राजनीतिक न तो कोई चुनाव लड़ेंगे न कोई राजनीतिक पद ग्रहण करेंगे, और बाबा को राजनीति क्या, राजनीति में क्या ऐसा है जो बाबा को कुछ दे सकती है जो बाबा ने ना पाया हो। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, यही मेरे एक बार के आह्वान करने पर 25 मुख्यमंत्री तो यही बैठे थे,
एक दिन में। तो मैं जब आज भी से एक पार्टी को छोड़कर के बाकी सब मुख्यमंत्री मुझे उतना ही सम्मान देते हैं, बात सम्मान की है ही नहीं ना। हमने इसमें एक चैप्टर लिखा है, जिसको पैसा और प्रतिष्ठा दो का मोह नहीं है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि दो की सिवा खोने के लिए कुछ होता ही नहीं है। दो ही चीजों को तो खोने का डर रहता है आदमी को, पैसा और प्रतिष्ठा। तो ये सारी चीजें, ये पुस्तक जिसने एक बार पढ़ ली वो सब बातों का उत्तर दे सकता है। इसमें बातें एक तरीके से लिखी गई हैं, लेकिन उसके माध्यम से आप 100 तरीके से उनका उत्तर दे सकते हैं। हर बारे में भ्रांतियां फैला दी जाती है, हर बारे में ऐसे ट्विस्ट किया जाता है चीजों को। हमने योग का काम किया, आयुर्वेद का काम किया, स्वदेशी का काम किया। अब कहते बाबा, अब एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जाता है इसके, आप ये 100 तरह के मैंने कहा क्वेश्चन आंसर होंगे, जो है उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर, FAQ, है FAQ। तो इस FAQ के अंदर करीब 100 तरह के प्रश्न हो सकते हैं, उसमें 5-10 तरह के प्रश्न सबसे ज्यादा होते हैं। बोले बाबा जी जो है योग आयुर्वेद और स्वदेशी के नाम पर व्यापार कर रहे हैं, तो एक सीधा सा कोई भी ऐसा प्रश्न करे तो उसको सीधा सा उत्तर दो, योग आयुर्वेद और स्वदेशी का ये ऋषि कर्म तुमको व्यापार कर्म लगता है तो तुमको डूब के मर जाना चाहिए, यदि कोई गलत आदमी पूछ रहा हो तो। भाई योग का काम तो ऋषियों ने किया, आयुर्वेद का काम ऋषियों ने किया, स्वदेशी का काम महात्मा गांधी करते हैं, तो राष्ट्रपिता, खादी ग्रामोद्योग और गांधी खादी भंडार के नाम पर जहां खादी मिलती है वहां मुफ्त में मिलती है पैसे में, और बाबा के स्वदेशी केंद्र पर 10 गुना सस्ती मिले तो व्यापार। वे हम तो 10 गुना सस्ता उपलब्ध करा रहे हैं, ये दोगला व्यवहार क्यों, ये दोहरी नीति क्यों। जितने भी गांधी के नाम से स्टोर चलाए जाते हैं इसके ऊपर हर साल हजारों करोड़ रुपए की सब्सिडी खाई जाती है। तो गांधी जी स्वदेशी का काम करें तो, गांधी जी स्वदेशी का काम करें तो क्या कह रहे हैं उनको, राष्ट्रपिता। तो क्या हम स्वदेशी का काम करके क्या राष्ट्र के पुत्र होने का गौरव नहीं रख सकते। फिर इतने से भी कोई संतुष्ट ना हो तो बोले लगता है इन्होंने विदेशी कंपनियों से सुपारी ले रखी है। तो विदेशी कंपनियों के एजेंट ऐसी भाषा ऐसी बात कह सकते हैं, विदेशी कंपनियों के एजेंट इस तरह की भाषा बोले तो आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन देशभक्त लोगों को ऐसी भाषा नहीं बोलनी, सामान्य को रिएक्ट करना है तो आपको अलग अलग ढंग से उत्तर देना पड़ेगा। दरअसल तो कोई डायरेक्ट पॉलिटिशियन कोई जो है अफवाह फैला रहा है तो उसको उसकी भाषा में उत्तर देना पड़ेगा, आम आदमी को प्यार से उत्तर देना पड़ेगा। अब सासू माँ अपनी बहू को समझाएगी कि बेटा मैं तेरे को जहर क्यों दूंगी बता, ये थोड़ी कहेगी कि तेरे को जहर देने वाले लोग तो जा किसी और के साथ ब्याह करा ले, मेरे बालक को क्यों परेशान कर रखा है, ऐसे थोड़ी कहेगी। अपनी घर वालों को उत्तर अलग ढंग से देना पड़ेगा, जो साधारण प्रजा के लोग हैं उनको उत्तर अलग ढंग से देना पड़ेगा, और ये जो दूसरे लोग हैं इनको उत्तर अलग ढंग से देना पड़ेगा। स्वदेशी का काम, योग का काम, बोले भाई तुमने तो 97% बजट अपना एलोपैथी पर खर्च कर दिया और बिना एक रुपए की मदद के आज योग आयुर्वेद और स्वदेशी का काम पूरी दुनिया में उसकी पहचान बनी है, उसको तुम तोड़ने में लगे हो, खत्म करने में लगे हो, तो ये कौन सी राष्ट्रभक्ति है। योग आयुर्वेद, अब आयुर्वेद में हम गरीब आदमी को तो मुफ्त में दवा दे सकते हैं ना, सब लोगों को मुफ्त में दवा देने के लिए या तो हमारे पास में 1,000 करोड़ रुपए का बजट हो कि सरकार हमें उसके लिए सहायता दे दे कि भाई जितने भी पतंजलि चिकित्सालयों से दवाई बनकर के दवाई दी जाती है उसको हम जो है गवर्नमेंट उसको पे करेगी, तो हम तो आज ही कल से मुफ्त कर देंगे, लेकिन हमें रॉ मटेरियल मुफ्त में नहीं मिलता, समस्या ये है। हमको जिन डब्बियों के अंदर दवाई भेजी जाती पैक करके वो पैकेजिंग मुफ्त में नहीं मिलता, ट्रांसपोर्टेशन हमें मुफ्त में नहीं मिलता, तो हम रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन
और जो है लोगों को एक लाभांश दिया जाता है कस्टमर तक, उपभोक्ता तक उत्पाद पहुंचने के लिए, उस प्रोसीजर को हम तो फॉलो करते हैं, कोई अपने लाभ के लिए नहीं कर रहे। और एक रुपए भी लाभ का इस्तेमाल, एक रुपए के भी लाभ का इस्तेमाल स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण अपने सुख सुविधा भोग विलास के लिए नहीं कर रहे हैं। बता दे कोई दुनिया की एक भी कंपनी, देसी विदेशी छोड़ो, इसमें कोई सीमाएं नहीं, दुनिया में कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बता दें जो अपने लिए एक रुपए का इस्तेमाल ना करते हो और सारा काम समष्टि के लिए करते हो, बता दो कोई। तो ये लेकिन क्या होता है, अफवाह, बाबा व्यापार कर रहे हैं, बस हो गया, तुमने कह दिया व्यापार कर रहे हैं तो हो गया हम व्यापारी। पहली बात तो हम क्या कर रहे हैं वो बताया, और यदि तुम व्यापार भी कहते हो तो क्या व्यापारी सारे इस देश के अंदर देशद्रोही हैं, तो सबको फांसी पे टांग दो। हम तो व्यापारी नहीं है, हम तो सेवा कर रहे हैं। साधु का क्या काम है, साधु का वही काम है जो हम कर रहे हैं, देश धर्म संस्कृति की रक्षा करना, योग आयुर्वेद का प्रचार करना, स्वदेश का स्वाभिमान लोगों में जगाना। ये कहते हैं सन्यासी का क्या धर्म है, तो सन्यासी का धर्म का सर्टिफिकेट भी एक पार्टी से लेना पड़ेगा क्या? तो कई तरह की चीजें आती हैं। तो ऐसी चार पांच बातें बड़ी होती हैं, जो है मैंने कहा नोटिस, सीबीआई से लेकर के सारे केस, तुम्हारी एजेंसी, तुम जो भी लगा दो किसी के पीछे क्या फर्क पड़ता है। आज से 20 साल तक बाबा जी एकदम निर्दोष थे, वो योगी थे, तुम्हारे चार चार कैबिनेट मिनिस्टर उनको रिसीव करने के लिए जा रहे थे, 20 साल से बाबा योगी, और 4 जून के बाद में बाबा अपराधी, व्यापारी, देशद्रोही, ये कैसे हो गया भाई? यदि हम गलत कर रहे थे तो 20 साल से ठीक कैसे थे भाई? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने बड़ी बात आपसे की, स्वदेशी वाली बात की है, मैंने व्यापारी वाली बात की, तीसरी केस वाली बात करेंगे, कोई दम ही नहीं किसी भी चीज में, बस यही बातें फैलाते रहते हैं, और क्या इनके पास में मुद्दा। अब बात तो यह है कि इसमें 99% जो ये अफवाहें फैलाने वाले लोग हैं, इनके जो है जो करैक्टर हैं वो आपके सामने हमने रखे अभी, क्योंकि मुद्दे बहुत हैं। अब आपको ये पुस्तक पूरी पढ़ लेना, आपको हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा इसमें। और मैं तो चाहता हूं कि आप में से, केवल सोशल मीडिया के स्तर पर ही नहीं कह रहा हूं, वैसे तो कहीं पर भी कोई भी बात होती है ना, योग के लेके, आयुर्वेद को लेकर के, जड़ी बूटियों को लेकर के, स्वदेशी को लेकर के, आंदोलन को लेकर के, देश को लेकर के, तो आप ही खाली सोशल मीडिया पर फाइट नहीं कर रहे हो, आप ही खाली फाइट नहीं कर रहे हो, हर घर के अंदर लोग जहां पर भी बात होती है वहीं लड़ने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। तो हमें इस तरह से इस आंदोलन को इतनी ऊंचाई पर ले जाकर के खड़ा कर देना है कि वहां पर हर व्यक्ति, हर व्यक्ति इस आंदोलन के लिए एक योद्धा के रूप में खड़ा हो जाए। मैं आज के इस सत्र को पूर्णाहुति की ओर इसी संकल्प के साथ ले जाता हुआ कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए हर घर में, हर गांव में, हर गली मोहल्ला में, पूरे देश में, हिंदुस्तान के सरजमी पर, हर जर्रे जर्रे पर ऐसा आदमी खड़ा कर देना है जो इस अभियान के लिए योद्धा की भूमिका में खड़ा हो और इस अभियान को अपनी सफलता की ओर, पूर्णता की ओर लेकर के जाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा करके इस युद्ध को लड़ने